मोदी सरकार जिसने अपने कार्यकाल में एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, उन ऐतिहासिक फैसलों की वजह से कई बार मुसीबत भी झेलनी पड़ी है, यानी कि अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया है। और अब मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला करने वाली है, वक्फ संशोधन बिल लाकर। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव करने की तैयारी में अब मोदी सरकार है, वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। और सरकार आज ही ये बिल सदन में पेश भी कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बोर्ड की जवाबदेही इससे बढ़ जाएगी, मनमानी पर रोक लग जाएगी। लेकिन इस खबर को लेने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद राजनीति भी इस पर खूब हो रही है, जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक कह रहे हैं कि किस तरीके से ये मनमाना रवैया चलाया जा रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मुसलमानों के खिलाफ रची गई एक और साजिश है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उधर वक्फ एक्ट को लेकर AIMPLB ने भी बयान दे दिया है, सरकार आज तैयारी में है वक्फ बोर्ड में बदलाव, वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल सदन में लाया जाएगा। वक्फ एक्ट को लेकर AIMPLB ने भी बयान दिया है, वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है, सरकार जमीन हमारी हड़पना चाहती है, ये AIMPLB ने कहा है। साथ ही कहा सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये जो संपत्तियां हैं ये हमारे बुजुर्गों का उपहार है जिस पर सरकार की नजर है, सरकार ने मुसलमानों से कुछ ना कुछ छीना ही है। सीधे तौर पर AIMPLB ने ये कह दिया है कि ये सरकार जमीन हड़पना चाहती है, इसीलिए इस बिल को लाने पर बात कर रही है, सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती और ये संशोधन हमें कतई मंजूर नहीं है, ये साफ तौर पर AIMPLB ने कह दिया है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं, भड़क गए हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन वाली बात पर। असदुद्दीन ओवैसी भी, वक्फ एक्ट में कोई भी संशोधन बर्दाश्त नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया। अब मोदी सरकार की इस तैयारी को कैसे देखा जा रहा है या फिर क्या इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है, AIMPLB को आपने जाना, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी के भी यहाँ सुर बिगड़े हुए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही साथ हाजी नाजिम खान मेरे साथ में हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। हाजी नाजिम खान, पहले मैं सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ, वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नाजिम खान आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज मिल पा रही है। मोदी सरकार एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कर रही है, आज बिल भी पेश हो सकता है जो जानकारी है, कैसे देखते हैं इसे आप? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी 40 संशोधन की बात करी जा रही है वक्फ बोर्ड के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से भारत के अंदर हमारे अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन होने की तैयारी हो रही है। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि आपको वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारे अपने पूर्वज जो भारत से पाकिस्तान चले गए, अपनी जमीनों को छोड़कर चले गए, उन्होंने वो जमीनें वक्फ बोर्ड को दान दी है। और दान दी हुई जमीन पर अगर देख के भारत सरकार अगर नजर रखे हुए, तो मैं ये सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आश्रम के पास भी बहुत सारी जमीनें हैं, उन जमीनों के लिए आप कौन सा ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जो आश्रम के पास जमीन है, क्या वो भारत की जमीन नहीं है? लेकिन जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, सिर्फ और सिर्फ उस जमीन के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि किस तरीके से हमारी अपने मालिकाना जमीनों पे वो अपना हक जता सके। अब देखिए भारत सरकार ने हमारी ऐतिहासिक धरोहर पे अपना हक जता रखा है, जबकि ऐतिहासिक धरोहर के मुस्लिमों की, मुसलमानों को ऐतिहासिक धरोहर मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसका जितना भी राजस्व होता है वो सीधा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास जाता है, तो उसका 1% मुस्लिम समुदाय के ऊपर नहीं होता। तो उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से जमीनें हैं, उस जमीनों को किस तरीके से मुस्लिम समाज यानी वक्फ बोर्ड से लेना है, उस तरीके की एक प्लानिंग करी जा रही है। अब देखना यह है कि जो 40 संशोधन की बातें करी जा रही है वक्फ बोर्ड के, तो वो 40 संशोधन है कौन कौन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं कहती हूं, अभी तो ये मालूम ही नहीं है कि संशोधन होंगे कौन से, ये भी सूत्रों के हवाले से है कि आज सदन में ये बिल सरकार पेश कर सकती है। साथ ही साथ सरकार का एक और पक्ष है, सरकार का कहना यह है कि महिलाओं को समान अधिकार अभी मिलते नहीं है, तो इस संशोधन में हम महिलाओं को समान अधिकार पर भी बात करेंगे।
हाँ देखिए, बार बार महिलाओं की बात आती है कि बराबर का सम्मान नहीं मिलता। कहाँ बराबर का सम्मान नहीं मिलता? भारत के अंदर तो जो महिलाओं को सम्मान मिलता है वो मेरे इस्लाम के अंदर भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये कौन से सम्मान की ऐसी बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर महिलाओं को नहीं मिल पा रहा? लेकिन हाँ, महिलाओं को भारत के अंदर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। नाज़िम खान जी, भारत की महिला, मुस्लिम महिला, हाँ सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने भारतीय महिला कहा, भारतीय महिला में मुस्लिम महिला भी है, हिंदू महिला भी है। मैंने कहा भारत के मुस्लिम महिलाओं को देख, मेरा इस्लाम पूरे परमिशन देता है, बराबर का हक देता है। लेकिन जिस तरीके से अब मैं आता हूँ अपनी भारतीय महिलाओं के लिए, भारत की महिला भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर कभी बात नहीं होती। मणिपुर की घटना इसका जीता जागता प्रमाण है, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हाथरस की बेटी जीता जाता प्रमाण है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उन्नाव की बेटी जीता जाता प्रमाण है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, कि भाई ये बताने की जरूरत नहीं कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। और एक चीज और, जो कठुआ कांड हुआ था, कठुआ कांड के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ एक मंदिर के अंदर इस तरह का जिन्होंने अपराध हुआ पूरे देश ने देखा, उस एक घटना पूरे देश को शर्मसार कर दे। तो बताइए महिलाओं को कहां समानता मिल पा रही है? हाँ, लेकिन समानता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय में किस तरीके से मिलना चाहिए, उस तरीके की बात देश के अंदर करी जा रही है। मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे इस्लाम के अंदर मुस्लिम लड़कियां शहजादियां हैं, उनको बराबर का हक इस्लाम समाज में मिला हुआ है। तो ये कौन सा सम्मान देने की बार बात करते अच्छा हैं? अच्छा लगा आपके मुंह से ये सब सुनकर, नाज़िम खान जी, अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सब सुनकर। और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी आपके सोच को। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके जरिए मुस्लिम बच्चियों को शहजादी और राजकुमारियों की तरह रखा जाता हो, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हर तबका एक जैसी सोच नहीं रखता है, और इसीलिए सरकार ये इनिशिएटिव लेना चाहती है। क्योंकि हम देखते हैं महिलाओं, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं, मैं सभी महिलाओं की भी बात करूंगी, महिलाओं को समान अधिकार आज की डेट में भी नहीं मिले हैं। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति इसमें और ज़्यादा पीछे नज़र आती है। 3 तलाक उन्हें कभी भी दे दिया जाता है, कैसी उनकी स्थिति हो जाती है, फिर अलग अलग जो उतार चढ़ाव होते हैं या फिर क्या जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, ये बेहतर तरीके से हमारा और आपका समाज जानता है। लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, जो अभी नाज़िम खान जी कह रहे हैं बुजुर्गों की जो जमीन है उपहार में जो दे दी गई, उस पर सरकार की नजर है, इसीलिए संशोधन के बहाने उस जमीन को हड़पना सरकार चाहती है। देखिए, भारत सरकार की नीयत शुरू से सही रही है, इनको पाकिस्तान सरकार कहना चाहिए। जहां से लाखों हिंदू बेघर होकर भारत आए, इनकी संपत्ति का पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, इनको पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज जो हिंदू वहाँ बचे कुचे हैं, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ कितना शोषण हो रहा है, उनको जबरन जो है इस्लाम आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ, बीच के मत बोलिए, जो बात मैं कह रहा हूँ सत्यों के आधार पर कह रहा हूँ, पूरा विश्व जानता है। अच्छा डॉक्टर मोहित शुक्ला, पाकिस्तान की बात बाद में कर लीजिएगा, पहले हिंदुस्तान की कर लीजिए। डॉक्टर मोहित शुक्ला, पाकिस्तान का एग्जाम्पल बाद में दीजिएगा, पहले हिंदुस्तान की बात कहिए। पूरी दुनिया में, मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड जो हिंदुस्तान का है, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं कर रही है, भारत सरकार जो है केवल उसमें संशोधन कर रही है, वो संशोधन जो है सभी मुस्लिमों के हित के लिए कर रही है। अभी आप ही ने स्वयं बोला कि महिलाओं को बराबर का हक देना, तो इसमें क्या गलत बात भारत सरकार ने अगर ये बात कही है और करने का प्रयास कर रही है, तो उसमें क्या गलत है भाई? की वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो गरीब मुस्लिम है उनको भी उस पर उसका लाभ मिले, और सभी को समानता से जो है अधिकार जो है मुसलमानों को मिले, जो मुसलमानों में भी बहुत सारे तबके हैं, कुछ उच्च वर्ग के, कुछ मध्यम है, कुछ निम्न है, तो सबको समानता से मिले। जब इसके नियम आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। देखिए, भारत सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ में काम करती है, और अभी भी देश में, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, मुसलमानों की जो स्थिति भारत में है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये नाज़िम जी का कहना कि मुसलमानों का हक लिया जा रहा है, मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सब तो मुस्लिम इतने सुख समृद्धि से रह रहे, और हमारे अभी नाज़िम खान जी ने गिनवाया, डॉक्टर मोहित शुक्ला, सिर्फ मुसलमान नहीं, भारत की महिलाओं बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। वो कह रहे हैं भारत में ही महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। अरे भारत में
भारत में जितनी सुख शांति से रह रहे हैं, देखिए छिटपुट एक आध घटनाएं होती है उसके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई भी होती है। देखिए रक्षा जी, देखिए छिटपुट घटना यानी महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत हो जाती है, पूरा देश शर्मसार हो जाता है और ये लोग कर रहे छिटपुट घटना इस तरीके का बयान देने पे। नहीं नहीं मोहित जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते। करोड़ की आबादी भारत। डॉक्टर मोहित शुक्ला सुनिए मेरी बात। नहीं सीरियसली आप बात को कहेंगे तो मैं बिल्कुल सुन लूंगी। हाँ जी, नाजिम खान ने जिन जिन घटनाओं का जिक्र किया वो देश के अलग अलग हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास राज्य का जिक्र उन्होंने किया, वो देश के अलग अलग हिस्से जहाँ पर महिलाओं बच्चियों के साथ अलग गलत काम हुआ है और वहाँ जो घटनाएं हैं वो देश के लिए शर्मसार कर देने वाली हैं। अगर आप उन्हें छिटपुट घटना कह देंगे, नहीं आगे मैं आपको सुनूंगी नहीं, अगर आप छिटपुट घटनाएं कह देंगे तो सुनना गलत होगा। आप इस चीज को मानिए कि हाँ गलत हुआ है, आप अपने शब्दों का जो चयन है वो सोच समझ कर कीजिए प्लीज। मैंने उसके बाद एक बात आपसे स्पष्ट रूप से कही है कि अभी आप मेरी पहले वाली शब्द को फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला फांसी तक की सजा हुई है इस देश में और महिलाओं के साथ जहां पर भी इस तरीके की घटना हुई है फांसी की सजा हुई है और पूरे देश में हर जगह नहीं हुई है। डॉक्टर मोहित शुक्ला, हर जगह नहीं हुई है, कैसी आप बात कर रहे हैं? देखिए मैं आप ये कहिए कि हाँ ये घटनाएं गलत हैं, इनमें इंसाफ होना चाहिए, यहाँ कड़े एक्शन होने चाहिए, महिला बच्ची किसी भी धर्म की हो उनके साथ गलत हुआ है तो वो गलत है। ऐसा मत कहिए कि हाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित है या ऐसा है या वैसा है। अगर आप सोच समझ कर शब्दों का चयन करेंगे तो फिर आप पर इस तरीके के सवाल उठेंगे ही नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो और हर मजहब की महिला हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू, ये कहना कि हिंदू के साथ हुआ मुझे ये बात गलत है। हर हर महिला का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग ऐसी घटना करते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाजिम खान जी सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है, जिस बिल को लाने की तैयारी कर रही है, वो ये कह रही है वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भूमिका भी होनी चाहिए, क्योंकि जब फैसले लिए जाते हैं तो उसमें महिलाओं की तो कोई सलाह होती ही नहीं है, महिलाओं का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, तो ये जो तब्दीलियां हैं, जो संशोधन होंगे उसमें महिलाओं के भी अधिकारों की बात ज्यादा हो पाएगी, उनकी भूमिका भी तय हो पाएगी, इसीलिए इन सभी बदलावों में एक बदलाव ये भी है, तो ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। हाँ रचना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ रचना जी, देखिए आप एक महिला हैं और देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, जब हाजी नाजिम एक मुस्लिम होकर रचना बंसल जी का सम्मान करता है, लेकिन मोहित जी को ये अगर महिलाओं के साथ अगर कोई भी घटना घट जाती है तो इनको वो घटनाएं सिर्फ छिटपुट घटना लगती है, यानी कि वो यानी कि हाथरस की घटना इनकी नजर में कुछ नहीं है, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो घटना इनके साथ कुछ नहीं है, इन्होंने कहा छिटपुट घटना। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये ऐसे पद पे बैठने के बाद महिलाओं के बारे में कितनी घिनौनी सोच रखते हैं, महिलाओं के बारे में इस तरीके का करते हैं अपने आपके चैनल पर रखा, ये बड़ा शर्मनाक हरकत है। भारतीय मुस्लिम होने के नाते हाजी नाजिम हिंदू बहन बेटियों का सम्मान करता है और भारत सरकार से अपील करता है कि जो हमारी बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाने के बाद उन महापुरुषों का नाम आता है, वो जेल में चले जाते हैं। ये बता दीजिए कि देश के अंदर महिलाएं जिनको अपना गुरु मानती हैं आश्रम में जाती है कि हाँ अच्छे सीख मिले, वहाँ उन महिलाओं के साथ किस नाजिम तरीके खान जी, मेरी बात तो सुनिए। नाजिम खान जी सुनिए आप अगर दोनों दो धर्म को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर महिलाओं बच्चियों के साथ गलत मंदिर में होता है, गलत आश्रम में होता है, तो गलत मदरसों में भी होता है, गलत मस्जिदों में भी होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो ऐसे धर्म को लेकर टिप्पणी मत कीजिए। मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव करने की बात सामने आ रही है उसमें महिलाओं की भूमिका होगी, महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ। यूं तो महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, आप कह रहे हैं हमारे धर्म में मुस्लिम बच्चियां शहजादी हैं, राजकुमारी हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड में भी तो जगह मिलनी चाहिए ना महिलाओं को।
हाँ रचना जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी 40 संशोधन की बात हो रही है, 40 जो वक्त बोर्ड के 40 संशोधन होंगे वो पता चलेगा कि कॉपियां हमारे पास आएंगी तो हम भी देखेंगे कि भारत सरकार क्या संशोधन करना चाहते हैं, कौन से हमारे मौलिक अधिकार खत्म करना चाहती है। और देखिए उसके बाद सीधी सी बात मैं एक बात कहता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो आप कानून लेकर आ रहे हैं, आप संशोधन करने की बात करते हैं, लेकिन आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं उसका भी तो आप एक जांच कराइए। जांच कराने पे जो पता चलेगा कि आश्रम पे के बहाने कितने लोगों ने जमीनों पर भारत सरकार की जमीनों पर कब्जा कर बैठे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की नजर से वो जमीनें चूक रही है। लेकिन जो दान में दी गई जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड को दी गई जमीनें, उन पे जमीनों पे नजर है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज को या किसी भी जो परेशान होते हैं उनकी मदद करते हैं, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से वो अधिकार खत्म करना चाहती है। कैसे मदद होती है अभी, कैसे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में, सुनिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, तो जो गरीब मजलूम परिवार है वो जो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते उन्हें इस वक्फ बोर्ड से कैसे मदद जाती है? रचना जी देखिए, अभी आपने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड पे जमीन जो भारत के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूँ भारत के अंदर रेलवे विभाग पे कितनी जमीन है, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जमीन तो मुझे लगता है कि रेलवे विभाग पर है, लेकिन जमीनों पर ही नजर है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज की जो दान दी गई जमीन है उस पर नजर है कि, तो ये बता दीजिए वक्फ बोर्ड के अंदर अभी 40 संशोधन तो होने दीजिए, अभी जो संशोधन की कॉपी आएगी तो देखिए, अगर आप संशोधन का इंतजार कर रहे हैं तो बाकी पहले संशोधन होने तो दीजिए, पहले मालूम तो हो जाए कि वो 40 पॉइंटर्स कौन से हैं। यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी पहले से पहले ही कह रहे हैं होने नहीं देंगे, उधर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमें स्वीकार ही नहीं है, पहले ये तो देख लीजिए कि संशोधन है कौन से, और संशोधन की जरूरत नहीं है क्या? आप बताइए मुस्लिम महिलाएं कितनी होती है, कि तीन तलाक वैसे बैन हो गया है लेकिन अभी भी तीन तलाक हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, मुस्लिम महिलाओं का दर्द तो पूछिए जब हलाला से गुजरना पड़ता है उन्हें। हाँ रचना जी देखिए, देखिए आपने देखिए तीन तलाक की बात करी, तो मैं आपको अपने इस्लाम धर्म के अनुसार बता दूं, क्योंकि देखिए भारत के अंदर संविधान के तहत हम अपने इस्लाम को अपने तरीके से मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 हमको इसकी परमिशन देता है। और अभी आपने तीन तलाक की बात करी तो मैं कहता हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर तीन तलाक का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन तलाक का जो प्रोसीजर होता है, जो तलाक का प्रोसीजर होता है उसका अलग तरीका होता है, वो पूरे देश को पता, लेकिन तीन तलाक के तहत बनाया गया तो भारत के मुसलमानों ने उस कानून को स्वीकार करा, लेकिन कुरान अगर आपके इस्लाम में तलाक का जिक्र नहीं है, नाजिम खान जी, अगर इस्लाम में तलाक का जिक्र नहीं है तो फिर ये क्यों मुस्लिम महिलाएं परेशान तीन तलाक से होती हैं, और कैसे उन्हें सड़क पर ला दिया जाता है एक झटके में, और उसके लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं करते, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते, जब हलाला से गुजरती है मुस्लिम महिला उस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता? मान करते हैं हम लोग, मुस्लिम बच्चियों को आप शहजादी और राजकुमारी कह रहे हैं ना, यही राजकुमारी जब निकाह करके दूसरे घर जाती हैं, जब तीन तलाक के बाद उन्हें सड़क पर ला दिया जाता है, फिर जब दोबारा अगर उन्हें सेटलमेंट करना है, उन्हें हलाला से गुजरना होता है, तब ये बात दर्द क्यों नहीं पहुंचाती दिल को आपके, तब इस बात के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाता वक्फ बोर्ड? सुन लीजिए रचना जी, जो बार बार आप तीन तलाक हलाला वाली बात कर रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे भारत के अंदर एक देवदासी प्रथा भी चल रही है, आज भी चल रही है साउथ के अंदर, बहुत सारी जगह अरे जब वो टॉपिक आएंगे तो उन पर भी बात होती है, जब आश्रम में सब कुछ होता है, पिछले ही दिनों जो घटना घटी है, वो जो भोले बाबा फरार रहा, जब आश्रम बनाया गया करोड़ों का, जब एक साथ इतने लोग मारे गए भगदड़ में उस सत्संग के दौरान, वो सवाल भी हमने उठाए थे और बखूबी निभाए थे। अब जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, मैं बात कर रही हूँ इस्लाम की, मैं बात कर रही हूँ वक्फ बोर्ड की, आप आ जाते हैं इधर, आपसे जो जवाब पूछा जाए वो तो दीजिए। रचना जी देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे भारत के हिंदू बहन बेटियां क्या भारत की नहीं है? क्या हाजी नाजिम का राइट नहीं बनता कि हिंदू बहन बेटियों के बारे में भारत सरकार से बात रखे? क्या आपके चैनल बिल्कुल आपका हक बनता है, लेकिन जो मैं पहले पूछ रही हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, उनका जवाब मुझे दीजिए, पहले आप मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बहनों पर मुझे जवाब दीजिए, फिर आप जितने सवाल करने हो कर लीजिएगा। देखिए रचना जी, देखिए मैंने कहा कि भारत की हर मुस्लिम बेटी बहन हो
या हिंदू बहन बेटियों, हाजी नाजिम सबके हक की आवाज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता। ठीक है, बाबर आप तीन तलाक की बात करते हैं, हलाले की बात करती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि तीन तलाक पे कानून बन गया है। और रही बात हलाल की, ये मान के चलिए कि अगर एक लड़की का तलाक हो जाता है तो वो कहीं दूसरी जगह शादी करेगी, फिर उसके शोहर की मर्जी होती है कि वो अपनी अहलिया को अपने निकाह से खारिज करे या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हलाला का नाम लेकर जिस तरीके से मुस्लिम बहन बेटियों के भारत के अंदर गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, तो मुस्लिम समाज इस तरीके की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा। ये कही आपने बात, ये कही ना आपने काम की बात, आपने कहा कि भ्रमित करके बरगला के गलत जानकारी के साथ मुस्लिम बहन बेटियों के साथ गलत होता है। यहाँ उठाइए ना आप आवाज, यहाँ उठाए ना वक्फ बोर्ड आवाज, इसीलिए महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, इसीलिए महिलाओं की भूमिका वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए, ये भी सरकार की एक सोच है। क्योंकि जाने अनजाने यहाँ मुस्लिम महिलाएं और बहनें पिछड़ी हुई समाज में नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक अधिकार भी नहीं है। आप कह रहे हैं हिंदू बहन बेटियों को आपके आपको उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, मैं धर्म के नाम पर कोई पक्षपात नहीं करती, लेकिन यहाँ हिंदू बच्चियों बहनों के साथ तीन तलाक नहीं होता, उन्हें हलाला से नहीं गुजरना होता, इसीलिए मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ा और पूछना जरूरी है भी। डॉक्टर मोहित शुक्ला, अगर बदलते समय के साथ किसी भी तरह के कानून में या किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत है तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर समय की मांग है, कोई भी कानून हो, अगर उसमें संशोधन शुरू से होते आए हैं, हमारे संविधान में व्यवस्था है, ऐसा संशोधन की आवश्यकता, संशोधन किया सकता है नियमों में रह के। तो जो भी संशोधन हो रहा, पहले भी हुए वक्फ बोर्ड में संशोधन, कांग्रेस सरकार ने भी किया है, अब बीजेपी कर रही है, तो ये एनडीए कर रही है, तो ये जो संशोधन हो रहा है, संशोधन हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, फिर इसे एक डिबेट करिए किस विषय पे संशोधन हुआ, कैसे अच्छा, हुआ, क्यों एक हुआ, इनपुट और मेरा और... डॉक्टर मोहित शुक्ला, अगर वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के संशोधन की बात है, जो अब मोदी सरकार की तैयारी है बिल लाने की सदन के भीतर, क्या इससे पहले अगर सलाह मशवरा हो जाता, अगर राय शुमारी हो जाती, तो ये जो टकराव की स्थिति अभी बन रही है उसे बचा जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, राय में से कोई भी संशोधन, सरकार का अपना ये निर्णय है, उन्होंने उसके ऊपर सलाह मशवरा किया होगा, बहुत सारे जो है उनके मुस्लिम प्रवक्ता भी है और बहुत सारे मुस्लिम लोग बीजेपी में भी है और वो परामर्शदाता भी है सरकार के, तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हालांकि ये भी सच्चाई है, हालांकि ये भी सच्चाई है कि अगर मोदी सरकार ऐसे ही तीन तलाक पर राय मशवरा करने चली जाती तो शायद तीन तलाक का जो बैन होने का फैसला है वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम वर्ग में जो इस बात पर एतराज करता कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है कि तीन तलाक हम दे दें, ऐसा ही है ना नाजिम खान जी? अपनी सहूलियत से जो बात ठीक लगती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और जो ठीक नहीं लगती उसे इनकार कर दिया जाता है। रचना जी, देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और शायद हमसे, हमें लगता है कि हमसे ज्यादा कोई भारत के अंदर संविधान का पालन भी नहीं करता। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, रचना जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करो, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, तो भारत के मुसलमान ने खुली बाहों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन भारत का मुसलमान बार बार इसी बात को कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों से ज्यादा संविधान को कोई नहीं मानता। और रही बात यह कि बार बार वक्फ बोर्ड की, तो मैं कहता हूं कि आश्रम के पास भी तो जमीन है, आश्रम की जमीन के लिए तो आप कानून लेकर आइए, ताकि वो जो भारत के गरीब जनता है जिनको ये कहते हैं कि हम बार बार मुस्लिमों को अच्छा, हिंदुओं को गलत, 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया, तो बात सही है, आप हमेशा ये कहते हैं संविधान को मानते हैं, 80 करोड़ जनता को बांट दीजिए, आश्रम के पास जो जमीन है उस जमीन को उनके गरीब भाइयों में बांट दीजिए, ये है जमीन की बात के निर्णय होगा अगर इस तरीके से पहल करें। सुन लीजिए मोहित जी, और ये नहीं कि मुस्लिम समाज की जो जमीन है उसके लिए आप एक संशोधन लेकर आ रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको एक बिल लेकर आना तो आप आश्रम की जमीन पे भी लेकर आए, ताकि देश को ये पता चले कि आश्रम के पास कितनी जमीन है। अगर
अभी जो 40 पॉइंटर्स हैं, 40 पॉइंटर्स हैं, इन 40 पॉइंटर्स में है क्या, ये तब साफ हो पाएगा जब सरकार बिल पेश करेगी सदन के भीतर, जिसकी तैयारी अभी है और जानकारी ऐसी कि आज ही मोदी सरकार के जरिए ये बिल लाया जाएगा सदन के भीतर। अब अलग अलग सांसदों के जरिए किस तरीके से इस बिल का सपोर्ट होता है या फिर कौन इसका विरोध करता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित शुक्ला जी और हाजी निजाम नाजिम खान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने अपने व्यूज इस खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।